Hello guys, you are watching Bros Reactions. My name is Kazim. My name is Anu. And my name is Jacqueline. Aur reaction wo jo dil se nikle. तो भाई आज जिस वीडियो में हम लोग रिएक्शन देने जा रहे हैं ये है एक सॉन्ग जिसका नाम है मेरे अंगने में और जिसमें है जैकलीन फर्नांडिस और आसिम रियाज हमारे मशहूर बिग बॉस हीरो 13 के कंटेस्टेंट रनर अप। और ये गाना तो आपको पता है, हम पहले ही बता दूंगा टी सीरीज वाले दो चीजों पर बहुत फोकस करते हैं, पहली तो नेहा कक्कड़ और दूसरी भी नेहा कक्कड़ पे पे तो वो आप एक उसको दूसरी उसमें फॉल करें ना कि भाई ये तो वो डांसर है ये सिंगर है तो इसमें बात होती है। तो ये है कि भाई इसके मैंने देखा कि काफ़ी तेज़ी से व्यूज़ आए और फिर आपको पता है नंबर वन यूट्यूबर तो टी सीरीज़ ही है तो उसके व्यूज़ भी आने, लेकिन ये है कि गाना जैसा कि हमेशा की तरह रीमेक किया गया है इस बार भी और ये वही गाना है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरे में और हमारा क्या काम है। हमें इसका वेट था काफ़ी दिनों से, 3 दिन पहले ही लोगों ने हमें सजेस्ट करना शुरू कर दिया था भाई ये गाना जो है वो आने वाले आने वाले 9th ऑफ मार्च को, तो हमें पहले से इंतजार था तो आज देखेंगे आपके साथ। बिल्कुल, तो चल के पहले देख लेते हैं वीडियो और फिर करते हैं बात। ले भूषण कुमार 1435 20,000 बीघा जमीन, 90,000 की सेना, जैकलीन और 2,000 को सोने की खान के उत्तराधिकारी महाराज शांतनु तुतुजी देव के साथ आपका विवाह तय हुआ है राजकुमारी। एयरपोर्ट से सीधे ले आई, घर वालों को हाय हेलो भी नहीं बोलने दिया। एक बार अभी मॉडर्न घर के बंदे तनिष्क भी है भाई। आखिरी में आ गया पिछले उसमें चला गया ओए ओए यार बॉडी है उसकी। पहले इसने ऐसे लगाया ओए ओए यार वही गाना है। घूम गई वो पीछे लड़के तो देखो क्या दिखा है उन लड़कों में। पैंडल लगाने वाला उस टाइम दे दिया उन्होंने। तलवार उन्हीं की देख लिया कैमरा
लेके चला आएगा उसको पता नहीं। ओ 1435 में भेजा, क्या सीखा? सच बताना, क्या सीखा? सच बताओ, उस जमाने में लड़कियां बड़ी हॉट होती थी। तूने तो कहा सच बता। नची नची जाऊं मैं, ना करना नी कंट्रोल। आसिम ने आज खा लिया, वो चेंज हो गया। ये तो सच में बहुत हॉट है यार। ये तो हॉट हॉट ही वापस आई, मैं ऐसे क्यों आया? And then so, ninja just escaped. ये यार ये part one है शायद। यार मैं नब्बे खत्म यार। बस सही था, इतना छोटा सा गाना था। लड़के भी हॉट हुआ करते। अच्छा, उन्होंने ये दिखा दिया कि लड़के नए जमाने में हॉट नहीं है। गलत बात कर रहे हैं, देख नहीं रहे लोग। बताओ, समझाओ तो मुझे। आसिम रियाज बताया तो आपको, वो ही है बहुत सारे लोग बोलते हैं सिर्फ हम नहीं, और बहुत सारे लोग यही बात करते हैं कि यार पता नहीं क्यों कुछ नया नहीं बना रहे, उसी को रीमेक रीमेक रीमेक। और आप देखें ना मूवीज में, अभी कितनी मूवीज हमने देखा कि हर मूवी में हदी हो गई है कि तीन तीन गाने रीमेक हो रहे हैं। अबे 3D के अंदर 6 गाने रीमेक थे। आप ये देखिए, 6 गाने बहुत होते हैं रीमेक, मतलब अपना बंदा बना ले, लेकिन क्या कर सकते हैं। इसमें एक चीज मैंने मिस करी, वो था आसिम रियाज का डांस। मैं तो समझ रहा था कि पूरा फोकस किया होगा उन पे, बल्कि आप ये देखें कि अच्छा खासे टिकटॉकर जो हैं वो पूरे अपनी अपनी पूरी पूरी म्यूजिक वीडियो कर रहे हैं, पूरी म्यूजिक वीडियो कर रहे हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ से नहीं उनके चैनल पे, आप ये देखेंगे नहीं आती। बहुत सारे टिकटॉक की अभी हमने पिछले उसमें स्टार्स की उसमें किया है रिएक्शन, जैसे गाना आया था बहुत सारा तो। हाँ, वो और आसिम रियाज बिग बॉस 13 से निकल के आए हैं, तो उनको इतना सा वो दिया गया पार्ट की, मेरे ख्याल से यार 1 मिनट का पार्ट होगा या 2 मिनट का पार्ट होगा, हो सकता है उन्होंने एक्सेप्ट इतना किया हो। भैया आसिम रियाज अभी बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बना हुआ है, अभी तो उसमें स्टूडेंट ऑफ द ईयर में भी आ रहे हैं ना। अच्छा, ये एक रिपोर्ट है, हां शाहरुख खान की बेटी के साथ वो कर रहे हैं, शाहरुख खान की बेटी भी आ रही है, जी हां डेब्यू कर रही है। तो ये है कि ऐसी रिपोर्ट है, मैंने कहीं देखा या था पढ़ा था, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन है ऐसा। तो ये कि वो तो अलग चीज है, लेकिन गाने की बात जहाँ तक करते, गाना ये कि अच्छा था, उसमें आपको पता नहीं अगर भाई रीमेक करके तो हो जाता है अच्छा, वो नहीं बोल रहे हम उसकी बुराई नहीं कर रहे, नहीं कुछ ऐसा अच्छा लगा है कुछ, लेकिन पुराना की जो बात होती है वो वही रहती है, वो फिर चेंज जो एक दफा आ चुका है फिर उसको आप बदल नहीं सकते। आप इससे इसके इसका इसका मुकाबला उससे करेंगे ना तो वो ज्यादा अच्छा। बट ये पुराना स्टोरी बोर्ड कोई समझ नहीं आया खास कि क्या था क्या नहीं था, मतलब इतना कोई खास स्टोरी नहीं थी। हाँ ये है कि गाना बहुत अच्छा था, और उन्होंने अच्छा वो जैकलीन को भी लिया था, आसिम रियाज को भी लिया था, तो ये कि बाकी ऑल ओवर अच्छा था, बस स्टोरी बोर्ड में ही समझ नहीं आया। मतलब स्टोरी बंदा 2 मिनट सोचते रहे यार ये क्या हुआ ये क्या हुआ ये क्या हुआ, और आसिम रियाज आके वापस बोल रहा है, फिर उसके बाद दिखे नहीं, हो सकता मेरी नजर में हो सकता है 2 भी कंटिन्यू है, शायद हमने मिस तो नहीं कर दिया लिखा हुआ, नहीं 2 भी कंटिन्यू ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं था। एक दो हमने सॉन्ग पहले भी देखे थे जिसमें 2 भी कंटिन्यू लिखा हुआ आया था, वो रोबोट वाले एक सॉन्ग था, पता नहीं क्या नाम था उसका, उसमें आया था उसका पार्ट 2 भी आएगा। बस ये कि अच्छी वीडियो सजेस्ट करने के लिए facebook.com/projection पे जाके वहाँ पे हमें अच्छी सी वीडियो कर सकते हैं आप सजेस्ट, हमारा पेज लाइक करना मत भूलिएगा। उसके बाद आ जाएं इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम पे आए कि हमें फॉलो, मेरे इंस्टाग्राम यूजर नेम है आज़म नैयर, मेरा ऑनेस्टली और मेरा sutend_ali_ और हमारा पेज इंस्टाग्राम पे projection के नाम से, वहाँ पे जाना है पहले करना है फॉलो, उसके बाद आप अपनी रिक्वेस्ट वहाँ भेज सकते हैं, साथ में भेज सकते हैं ढेर सारी बात। सो यू गाइस वर वाचिंग projection, माय नेम इज काज़िम, हिज नेम इज ऑनेस्टली एंड हिज नेम इज सकलेन अली, गुड बाय।